अरे छोड़ दे, कोरमा तेरे अब्बा के लिए बना है। पता है ना उन्हें दाल सब्जी माफिक नहीं आती। बकरे का गोश्त घर में उनके लिए आता है। किसी दिन दो बोटी कम भी खा लेंगे तो कोई कमी नहीं हो जाएगी उन्हें। हम पर भी फर्ज नहीं है कि बस दाल सब्जी खाते रहे जिंदगी भर। ना शुक्री की बातें ना किया कर, घर का रिस्क कम होता है। ना इंसाफी और जुल्म करने से भी घर का रिस्क कम होता है अम्मा, ये बात नहीं पता? कौन सा जुल्म हो रहा है तुझ पे है? अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, होश में तो है, तू ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही है। अच्छा खाना वाह, और ऐशो आराम की जिंदगी। ये तुम किस बात पे इतनी ऊंची आवाज में दांत निकाल रही हो? औरत का ऊंची आवाज में हंसना तो दूर की बात, बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारी माँ ने तमीज ही नहीं सिखाई तुम्हें? मेरी बात का जवाब दो नायला, किस बात पे इतना हंस रही थी? वो अम्मा ने लतीफा सुना दिया था, उस पर हंस रही थी। एक मिनट रुको, ये क्या है? ओह, कोर में उड़ाए जा रहे हैं। मेरी हक हलाल की कमाई को आग लग रही है इस घर में। और जिस घर की औरतें इतनी चटोरी होंगी, वहां तो खाक ही उड़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी ये बातें सुनकर मैं ये प्लेट रखकर कमरे में रोती धोती चली जाऊंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है अब्बा, क्योंकि मैं ये खाना खाने वाली, मुझे बहुत भूख लग रही है। बदतमीज, बदलिहाज, बात करने की तमीज नहीं है? बाप से इस तरह बात करते हैं? तो जाहिल औरत, अशर के दिन औलाद की तरबियत पे सवाल होगा तुझसे। अस्तग़फ़िरुल्लाह़ुल्अज़ीम, ला हौला विल्ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बीवी और औलाद की तरफ तो कोई फर्ज बनता ही नहीं ना इनका, और क्या देंगे? मोहब्बत तक तो कभी दी नहीं जरा सी। क्यों ऐसे मुंह खोले देख रही हो? आओ खाना खाओ, तुम्हारे लिए भी रोटियां रख कर ले आई थी। अब्बा से इतनी बहस क्यों करती हो नीली? और क्या जरूरत थी इतनी जल्दी खाना खाने की? अब्बा पहले खा लेते तो कुछ ना कुछ बच ही जाते, तो फिर हम भी खा लेते। क्यों, हम पर फर्ज है कि हम उनका बचा हुआ खाना ही खाएं? हमें पहले भूख नहीं लग सकती क्या? अब्बा सारा दिन बाहर रहते हैं, फिर अगर घर में आकर वो पहले खाना खा ले तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम खाम खा हर बात को बढ़ा देती हो नीली। मैंने बात नहीं बढ़ाई थी, उन्होंने खुद ही तकरीर शुरू कर दी थी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था उनके मुंह लगने का। खाना है तो आओ खाओ, कोरमा बहुत मजे का है। मुझे तो डर ही लगता है नीली, अब्बा के मिजाज का वैसे ही कोई भरोसा नहीं है। किसी दिन ज्यादा गुस्सा आ गया तो कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। एहतियात करो नीली। बेफिक्र हो, मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, मेरा वो कुछ नहीं कर सकते। असल में तो मुझे उनसे नहीं, उन्हें मुझसे डरना चाहिए। उनकी पहली बीवी ने ठीक किया जो उन्हें छोड़कर भाग गई। हाय क्या मजे से जिंदगी गुजारी हुई। और एक हम मैं। खाओ ना।